को, छोटे बच्चों को देना है, या गर्भवती स्त्रियों को देना है, या फिर दूध पिलाने वाली माओं को देना है, तो इसके लिए हम डॉक्टर से सलाह करके हम उनको दे सकते हैं और ऐसे हम पी सकते हैं, है? वो दो के लिए थोड़ा सा हम डॉक्टर से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी भी करता है ना। तो अभी गर्मी का समय है, तो जो इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो हम और चीजें भी डालकर हम इसको ले सकते हैं, तो ये हमें नुकसान नहीं करेगी, है ना। और सभी हम पीते ही हैं काढ़ा, कभी ऐसा ही पी लेते हैं, उसकी डंडी को उबाल कर पी लेते हैं, कभी पत्ते को उबाल कर पी लेते हैं, है ना। तो आयुर्वेद में एक उसकी पद्धति होती है, बनाने का अलग सा एक तरीका है। तो यह जो गिलोय है वह नीम में चढ़ा होता है ना, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। नीम के पेड़ में ये जो ये चढ़ी है तो वो ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि नीम हमारे स्वास्थ्य के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है ना। तो यह सूखा डंडी मिल जाए या गीला, सभी काम में आता है ना। और किसी का तरह का भी बुखार हो, कितना भी पुराना बुखार हो, इसके लिए यह नीम पे चढ़ा रहता है, वो बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि नीम भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ना। तो ये तो गिलोय हो गया, यदि हम इसे कैसे लें, क्या है, ये सब हो गया। तो इसका जब हम काढ़ा बनाएंगे तो इसकी इतनी बड़ी बड़ी डंडियां ले लेंगे और पत्ते लेंगे और कुछ अदरक लेंगे और काली मिर्च और तुलसी का पत्ता, ऐसे भी हम एक बना सकते हैं, या फिर तो हम जो पुराने ऐसे ही पीते हैं तो खाली गिलोय को पानी में उबाला और हम पी लेते हैं। और एक आयुर्वेदिक तरीके से एक ये है कि एक बर्तन में हम या तो उसे 2 गिलास पानी में उबालें और आधा कर लें, या फिर 1/4 करके हम पी सकते हैं। तो एक बर्तन, इससे हमें बनाना कैसे है, हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में हम 2 कप पानी लेंगे और उसको हम 1 कप करेंगे, ये एक तरीका है ना। या फिर और उससे कम करना है तो 1/4, पर वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये हाफ ठीक है ना। 2 कप उबाला, उसको हम 1 कप कर लेते हैं, तो सब चीज डालकर हम उसको आधा उबलने तक पकाएंगे। तो इसमें हमें क्या लेना है, 2 कप पानी लेना है और जो गिलोय की स्टिक है वो 3-4 लेना है, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी लेकर उसको कूट लेना है, खलबत्ते से या किसी भी चीज से हमें उसे थोड़ा सा चूरा कर लेना है ना। और सही तरीके से बनाना बहुत जरूरी है इसका, है ना। तो ये जो कुचल कर उसे डालना है, या तो उसे हम कुचल कर पानी में रात को भी डुबा कर हम रख सकते हैं, यदि ऐसा हमारे पास पहले से अवेलेबल है तो हम रात को कुछ के और उसको डुबा दे पानी में, फिर उसको हम सुबह बनाए। यदि ऐसा नहीं है तो बनाने से आधे घंटा पहले भी उसे पानी में हम भिंगा कर रख सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो यदि संभव ना तो आधे घंटे हम उसको डुबा कर कुछ कर रख सकते हैं। और इसमें हमें डालना है फिर 5-6 तुलसी के पत्ते, और 1-2 इसका गिलोय का पत्ता भी डाल सकते हैं। और आधा इंच का अदरक का टुकड़ा, चार काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और हमने 2 कप पानी डाला है तो 2 चुटकी हल्दी, बस 2 चुटकी ऐसे हाथ में ऐसे उठाया और डाल दिया, है ना। 2 चुटकी हल्दी, इन सब को हमको 5 से 10 ये आधा होने तक उबालना है। 1 कप 2 कप पानी है तो उसको हमको 1 कप करना है, यदि हमारे घर में ज्यादा सदस्य हैं तो उसे हम
ज्यादा बना लेते हैं, और ये दिन में एक ही बार पीना है, ऐसा नहीं कि अच्छा चीज है तो हम बार बार पी लें, ऐसा होने से भी वो अच्छी चीजें भी फिर ज्यादा होने से नुकसान करती है ना। तो हल्दी भी डालेंगे तो क्या, ये एंटीबायोटिक है और बहुत सारे रोगों में ये फायदा भी करती है ना। तो इसको पीने के दो तरीके हैं, ये उबला आधा किया 2 कप से 1 कप है ना। तो इसके पीने के दो तरीके हैं, जैसे एक तो उतारा थोड़ा सा 5 मिनट, उसको जैसे पक गया 5 मिनट उसको ढक के रखा, और हम उसको गरम गरम ही चाय जैसा हम पी सकते हैं। या फिर बहुत लोगों को इसका स्वाद जो है वह पसंद नहीं आता है तो क्या करना है, तो उसे हम ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर लाकर 1 चम्मच शहद डालकर हम उसको पी सकते हैं। तो ये दो तरीकों से हम उसको पी सकते हैं, और इसको पीने के लिए सुबह सुबह खाली पेट बहुत अच्छा रहेगा। खाली पेट पियेंगे और उसके आधा घंटे तक कुछ नहीं खाना है इसको पीने के। लेमन स्वाद के लिए डाल सकते हैं, पर वो भी ठंडे में ही डालना है, गर्म में नहीं डालना है ना। स्वाद के लिए हम डाल सकते हैं, वैसे नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, पर डाल भी सकते हैं है ना। और कुछ नहीं खाना है फिर, यदि हम छोटे बच्चों को तो देना ही नहीं, 8 साल से 10 साल से छोटे बच्चों को इसे नहीं देना है। यदि उनको उसके ऊपर वाले बच्चों को देना है तो 1/4 कप ही देना है उनको, ज्यादा नहीं देना है ना। और दिन में एक बार ही इसको हम पी सकते हैं, तो क्योंकि सबके शरीर की जो प्रकृति होती है, सबके शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है ना, तो किसी को गर्मी भी कर सकता है इस। तो जब हमको लगे कि ये गर्मी हो रहा है तो उसकी मात्रा हम आधी कर सकते हैं, 1 कप से आधा हम पी सकते हैं, और फिर 2-4 दिन पीना है, और फिर उसे थोड़ा सा हमें गैप कर लेना है ना। ऐसा हम इसको, ये गिलोय के इतने सारे फायदे हैं। तो और यदि हमें ऐसा ही सिंपल बनाना है तो खाली गिलोय के पत्ती और गिलोय की जो डंडी होती है उसको हम कूट कर डाल दें और हम उसे पी सकते हैं, जो कि फायदा देता है। अच्छा है ना। हाँ, इसको जनरल भी पी सकते हैं ना, यदि हमें कुछ भी नहीं है तो भी पी सकते हैं, पर रेगुलर नहीं पीना है, थोड़ा दिन 1-2-4 दिन 5 दिन पी के फिर उसको बंद कर देना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा पी गैप करके फिर पी सकते हैं ना। लगातार किसी भी चीज को नहीं करते हैं, क्योंकि तो कोई भी चीज अच्छी होती है पर ज्यादा थोड़ा सा वह नुकसान करती है ना। तो ये हो गया गिलोय का। तो ये हम अपने परिवार को भी पिला सकते हैं, और जो भी कोई होगा उसे हम ये बता सकते हैं। और हमारे आयुर्वेदा जो अभी अभी आज ही पता चला था कि आयुष मंत्रालय ने भी हमारे जो कुडनीर कबासुर है ना, उसको बोल बोला कि ये जो है वह कोविड में बहुत ही फायदेमंद है। और अमृत जो गिलोय है उसकी टेबलेट भी आती है अमृत करके, तो वो भी बहुत फायदेमंद है। ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सूरज जी, सूरज जी लेंगे क्या? हाँ, कौन ले रहा है? लो लो, सूरज जी ठीक है। हाँ, अभी ना फायदे देख लेते हैं इसके। हाँ, भारती जी ने तो हमें काफी कुछ बता दिया कि गिलोय के कितने फायदे हैं। तो जिनका प्लेटलेट्स कम हो जाता है ना शरीर में, तो भी प्रॉब्लम होती है, फिर खून पतला होने लगता है, तो उसको भी गाढ़ा करने में, प्लेटलेट्स को बढ़ाने में गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। और जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, गिलोय का काढ़ा पीने से उनका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। काढ़ा पिए या जूस बना के पिए, इसकी जो डंडी है ना और पत्ते,
वो बहुत अच्छे होते हैं। पत्तों का काढ़ा या जूस बना के हम ले सकते हैं। और ना इसमें बहुत हाई प्राण है गिलोय में, ये और यह जल्दी उग जाता है, मतलब वो पौधा जल्दी बढ़ता है, हाई प्राण है वो। ऐसे ही हम रखेंगे ना कमरे में भी, तभी भी उग जाता है और अच्छे से ग्रो होता है, हाई प्राणा है इसमें। और शरीर में जो भी डेफिशिएंसी है ना विटामिन की, मिनरल्स की, उसकी पूर्ति करता है गिलोय। इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं इसको। एसिडिटी, इनडाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। फुल ऑफ विटामिन ए, B12, B6 एंड मिनरल्स, इसमें विटामिन की भरपूर मात्रा है। शरीर में जो भी विटामिन कम होते हैं उसको बढ़ाने में मदद करता है। और प्लेटलेट्स कम कम होने की वजह से कैंसर भी हो सकता है, तो ये कैंसर को भी ठीक करता है गिलोय। डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। और ठीक करता है डायबिटीज को। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं गिलोय के। और हमने देखा ना हाय प्राणा है इसमें। तो आयुर्वेदा में ना कुछ कुछ फ्रूट्स और कुछ कुछ वेजिटेबल्स में हाय प्राणा होते हैं, जिनको खाने से हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और प्राण शक्ति बढ़ती है। तो ये कौन से हैं खाद्य पदार्थ जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और प्राण शक्ति से भरपूर होते हैं, और ये कामन मिलते हैं और सस्ते भी होते हैं। तो हमें आयुर्वेदा के अनुसार कैसा खाना चाहिए, रीजन के हिसाब से, सीजन के हिसाब से और अपने दोषों के हिसाब से, क्या होता है हमारी लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी की वजह से या गलत खान पान की वजह से हमारे दोष बिगड़ते रहते हैं। और कुछ कॉमन चीजें हैं जो मोस्टली हम सभी खाते हैं, जिनसे हमारे दोष इम्बेलेंस होते ही हैं। तो आयुर्वेदा में ये हर्ब्स, मेडिसिन्स और स्पाइसेस और अलग अलग वेजिटेबल्स इन दोषों को बैलेंस करने में बहुत मदद करते हैं। तो ये कौन से वेजिटेबल्स कौन से दोष में खाने चाहिए, ये अगर हमें नॉलेज आता है ना, तो फिर हमें हमारे दोष बैलेंस हो जाते हैं। और इन दोषों के बैल इम्बेलेंसेस से ना हमारे मन और इमोशंस पे भी दुष्परिणाम होता है, नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर अन्न सही होगा तो हमारा मन भी चंगा होगा, मन अच्छा तो हमारे विचार और भावनाएं अच्छी। हाँ, तो सत्व की तरफ हम कैसे बढ़ें ताकि हम हेल्दी, टेस्टी और सुंदर, टेस्टी दिखने में या अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें भोजन कैसे खाते हैं देखते हैं। हाँ, अगर कलरफुल है, दिखने में ब्यूटीफुल है, तो हमें मन होता है खाने का। तो हम पंच इंद्रियों और मन के साथ अपना भोजन खाते हैं। तो भोजन की पौष्टिकता कैसे बरकरार रखें और कौन से बर्तनों में हमें पकाना है, कौन से नहीं पकाना है, कौन सी विधि से पकाना है और कैसे खाना है, इसका पूरा जो साइंटिफिक रीजन के साथ होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में हम सीखते हैं। दूसरा, वाइट शुगर और हम
बहुत सारी ऐसे एसिडिक चीजें खाते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, इनडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। फिर कौन सा अल्कालाइन वाटर पी के हम उसको ठीक करें, और कौन से खाद्य पदार्थ अल्कालाइन है, कैसे खाना चाहिए उनको, कब खाना चाहिए, समय का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आयुर्वेदा के अनुसार। हाँ, समय पे सोएं, समय पे उठें। देखो, हम कभी जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं तो हमारी एनर्जी पूरी मस्त रहती है, तो हमारा अगर उठने सोने का भी समय सही नहीं है तभी भी दोषा बिगड़ते हैं, तो ये समय का चक्र भी हम ये कोर्स में सीखते हैं कि समय कौन से समय पे कौन से दोषा प्रोमिनेंट है और वो समय पे हमें क्या करना है, खाना है, सोना है, काम करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेदा और योगा, जिस दोनों को अगर हम अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हमारा जीवन रसमय और सुंदर होता है। तो योगा मतलब क्या, आसन, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन, उससे भी हमारे दोषास इम्बेलेंस, दोषास बैलेंस होने लगते हैं। और सुदर्शन क्रिया एक ऐसा पावरफुल ब्रीथिंग टेक्निक है जिसको हम अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल पांचों एस्पेक्ट से हमारी ग्रोथ होने लगती है। नहीं तो देखो, आजकल की बिजी लाइफ है, हमको बिल्कुल समय नहीं रहता है। हाँ, बहुत काम रहता है, और फिर भी ऐसी सिचुएशन में कोई कोई लोग ऐसी चैलेंजेस में भी सामने आके सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनमें प्राण शक्ति है, और ये प्राण शक्ति कैसे आती है, सुदर्शन क्रिया और हाय प्राणा वाला भोजन खाने से। तो हमारे शरीर को भोजन की कितनी आवश्यकता है, हमें मन के लिए कैसे खाना है, और साथ ही साथ चेतना को भी कैसे ऊर्जावान बनाना है, ये सब हम इस होलिस्टिक कुकिंग में सीखते हैं। तो हम बहुत सारे टीचर्स आपको अलग अलग तरीके से और अलग अलग नॉलेज बताते रहते हैं। आकांक्षा जी, जूरा जी, सरिता दीदी, रीना, भारती जी, हर किसी के पास अलग अलग नॉलेज रहता है। और देखो, जैसे एज बढ़ता है तो फिर कैसे लगता है, हमारा उत्साह कम होने लगता है, पर हमारे साथ बिल्कुल उल्टा है। जैसे एज बढ़ती है वैसे हमें बहुत उत्साह रहता है कि ये सीखें, ये सीखें, वो सीखें और जीवन में अप्लाई करें, और ये जो गुरु का ज्ञान है वो सबको बांटें। तो ये कोर्स में दूसरा एक सुंदर टॉपिक है रेसिपीज का। सुंदर सुंदर टेस्टी टेस्टी रेसिपीज हम कैसे बनाएं ताकि हमारे घर में भी सब फैमिली मेंबर्स खुश हो, और कैसे सबको खुश रखें, क्योंकि पेट से ही सब कुछ जुड़ा है ना। तो अगर हमें भूख को तृप्त करना है और सबको खुश करना है तो हमें ये दोनों भी अपने जीवन में अपनाने हैं, एक होलिस्टिक कुकिंग और दूसरा सुदर्शन क्रिया। तो हमारे पास अच्छा अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दोनों कोर्स होने जा रहे हैं 10 से 13, 10, 11, 12, 13 में सुदर्शन क्रिया का कोर्स 4 बैचेस में होने वाला है, सवेरे 6:30 से 8:30 और 10:30 से 12:30, 3 से 5 और 7 से 9। जिन्होंने भी नहीं सीखी है ना अभी तक, ये मिस ना करें।
हमारे डेली इंट्रोसेशन होते रहते हैं, आप उसमें लोगों को जोड़े और सेवा करें। जिन्होंने भी ये अनुभव किया है ना, वो अपने तक सीमित ना रखें, सिर्फ लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करें और उनको कैसे भी बहला के फुसला के हम इस मार्ग पर लाए। हाँ, तो हमारा तो जीवन सुंदर होगा, साथ साथ जो ये सीखेंगे ना वो भी हमको तब तक ना भूलेंगे जब तक वो जीवित हैं। हाँ, जब तक जब वो एक्सपीरियंस करेंगे ना सुदर्शन क्रिया, तो फिर पहले पहले आपको धन्यवाद कहेंगे, थैंक यू कहेंगे, ब्लेसिंग देंगे। तो हमारे पास सब कुछ है आज, ये ब्लेसिंग जब मिलती है ना तो मन तृप्त हो जाता है हमारा, है ना। हाँ, यस। हाँ, तो जरूर जरूर लोगों को भेजें। अभी बाकी 3 दिन है कोर्स शुरू होने में, तो आप फोन कॉलिंग करें, लोगों को बोलें। हाँ, ना बोलेंगे लोग, पर हमें कैसे, हम कभी अपनी बात मनानी होती है तो कैसे करते हैं, नहीं नहीं तुझे मानना ही है, कुछ भी करते रहते हैं और हमारे पास बहुत आइडियाज होती है। हाँ, लेडीज फायर होते हैं। तो हाँ, जिनको भी लगता है ना आपको तकलीफ दे रहे हैं, उनको तो जरूर लाएं ये कोर्स में। और दूसरा मैं बताना भूल गई, होलिस्टिक कुकिंग सीखने से और जब भी हम फॉलो करते हैं ना, तो हम तो अपने को भी समझ पाते हैं, सामने वाले को भी हम समझ पाते हैं कि उनका क्या दोषा इम्बेलेंस है, और फिर हमें गुस्सा नहीं आता है, हमारा एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाता है। तो देखो कितना सुंदर कनेक्शन है आयुर्वेदा और ब्रीथ, आयुर्वेदा एंड योगा। तो जरूर जरूर दोनों कोर्स करें, और होलिस्टिक कुकिंग कोर्स 13 के बाद होने वाला है, 14, 15, 16, 2 घंटे शाम को 6 से 8। दोनों कोर्स के डिटेल मैंने चैट बॉक्स में डाल दिए हैं, आप जरूर स्क्रीनशॉट निकालें, और हम अपने फोन नंबर्स भी डाल देते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। है ना सुंदर मजे की बात। तो रेसिपीज भी हम बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। बच्चे आजकल जैसे उनका भी दोष नहीं है, उनकी एज है, चटपटा तीखा मीठा सब टेस्ट उनको चाहिए, तो ये स्वाद का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। हम एक दो टेस्ट खाते रहते हैं, तो ये 6 टेस्ट भी हम कैसे शामिल करें अपने दिनचर्या में, अपने खाने में, वो भी हम सीखते हैं। एक सुंदर टॉपिक है स्वाद का, वाइट शुगर क्यों नहीं खाना है, उसके रिप्लेसमेंट में हमें क्या खाना है, प्रोसीजर टू हैव मील, मंत्रों के साथ हमें कैसे खाना है। ठीक है, तो हम लोग रीना दीदी को इनवाइट करते हैं, ड्यूरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ड्यूरा जी आप बोलेंगे कुछ? मुझे क्या बोलना है? समय कितना है? हाँ, 1 मिनट समय है ना हमारे पास, है ना, 10 मिनट है हमारे पास। तो एक स्टोरी बोलती हूँ। हाँ बोलिए। 20 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं है। अच्छा 38 है, चलिए। पौने 5 तक का आज जरा है, जूम वापस देना है, पर ऐसे हाँ, दोपहर को खाली खाली लगता है ना, तो हम मतलब फिर सोनिया जी को लगा होगा कि नहीं और एक सेशन भी हो जाए। है ना, तो दोपहर को दोपहर पूरी खाली गई तो मजा नहीं है, है ना, बहुत इच्छाएं जागती है, दोपहर को क्यों नहीं है, ऐसे होता है। ये इच्छा के ऊपर ये स्टोरी है, इसीलिए मैंने ऐसी बात करी। ऐसे देखने जाए तो सब मोह माया है,
पर फिर भी सब कुछ है, है ना। के एक स्टोरी ऐसी है कि साधु के पास एक पात्र था, वो पात्र इच्छा पूरी करता है, तो ये राजा को लालच आई, वो गांव के राजा थे एक, उनको लालच आई कि ये पात्र मुझे मिल जाए तो मैं एक राज्य के साथ दूसरा राज्य भी मुझे मिल जाए और दो राज्यों का मैं राजा बन जाऊं, उसकी भी इच्छा जागी। तो साधु ने बोला कि नहीं, मैं आपको ये पात्र नहीं दे सकता हूं, आपको कुछ काम का नहीं है। फिर भी राजा ने जिद पकड़ी। अब राजा साधु के सामने तो राजा ही है, तो राजा ने ऐसा देखने जाए तो छीनवा लिया, मतलब उनसे छीन लिया कि नहीं मुझे ये पात्र चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हर इच्छा उसकी पूरी होती है, उसमें जो भी बोलते हैं हाथ डाल के तो इच्छा पूरी होती है, ऐसे कुछ ये पात्र था, तो छीन लिया। फिर ये राजा जो था वो बोल रहा था कि मुझे डबल, मतलब दूसरा राज्य चाहिए, उसके लिए मेरी इच्छा पूरी करो, ऐसे उसने बोला। तो पात्र में से आवाज आया, दो राज्य नहीं चार मांग। हाँ, तो बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसे भी बोल रहे हैं, चलो ये तो डबल बोल रहे हैं मांगने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है ऐसे, तो उन्होंने मतलब एक की जगह दो मांगा, फिर दो की वापस ऐसे ही आंसर आया, दो क्यों चार मांग। फिर चार की जब बात की तो चार क्यों छह मांग, छह की बात की तो आठ दस बारह, ऐसे मल्टीपल में मांग, मतलब ये ही आंसर आया, कुछ हो नहीं रहा था। कैसा हो रहा था ना, पात्र मना भी नहीं कर रहा है पर और मांग। तो हमारे मन का क्या रहता है ना, एक कुछ मिला तो और चाहिए, दूसरा चाहिए। एक मेरी तरफ से बोलने जाऊं, रोज एक रेसिपी बोलूं तो मुझे भी लगता है दो दो बोल दूं या तीन बोल दूं या चार बोल दूं, या शायद आप लोगों के मन में भी आया होगा कि दीदी एक ही बोल रही, उससे जगह पे दो बोल दे या चार बोल दे ऐसे। तो यही है, नहीं मतलब इच्छा क्या है मालूम है, ब्रह्म है, ब्रह्म ऐसे, मतलब हमें ब्रह्म हो जाता है कि इच्छा पूरी हो गई तो पूरा हो गया बात, पर नहीं है और बढ़ती है। हाँ, जैसे झोपड़ी में से घर, घर में से बंगला, बंगले में से रो हाउस, रो हाउस से और कुछ, मतलब बढ़ते रहता है, फिर और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बंगले, गाड़ी, कोई चीज में इच्छा पूरी ही नहीं होती है, है ना। तो मतलब प्रसादु यही बोलते हैं, इच्छा रखनी नहीं चाहिए। इच्छा क्या है पता है, मतलब ऐसे कि इच्छा वासना, इच्छा का मतलब ऐसे वासना, और वासनाओं से सुख मिलता नहीं है, इच्छा और वासना से सुख मिलता नहीं है। हा? वो मतलब हमें मतलब ब्रह्म में डाल देते हैं कि मतलब ये पूरा हो गया तो हाश, ये पूरा हो गया तो हाश, पर ऐसे नहीं रहता है, हमेशा ब्रह्म में भरा हुआ रहता है इच्छा। हा? तो और फिर क्या होता है मालूम है, इच्छा ना बंधन, बंधन कर लेता है, इच्छा का कैसे है वो बांध देता है कि मन में रह जाती है ना कि इच्छा है, इच्छा है। अभी भी सबके मन में इच्छा है ना कि कोविड चला जाए, भाई वो कभी नहीं जाएगा, कितनी भी पीढ़ी चली जाए, क्योंकि अब वो एक वायरस है, जैसे दूसरे वायरस है वैसा वो भी उसका ही भाई है, बस उसके साथ रहना है हमारी इम्यून सिस्टम बनाते हुए। जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो वो बात खत्म हो जाएगी, प्रभाव कम होगा, कुछ ग्रहों की वजह से भी है पर प्रभाव कम होगा, पर इच्छा रखनी नहीं है। इच्छा ज्ञान पाने की भी इच्छा हमें नहीं होनी चाहिए। इस ये स्टोरी में ये भी बताया कि इच्छा कैसी है, ज्ञान भी पाने के लिए इच्छा नहीं रखनी है, तो क्या करेंगे। अगर ज्ञान प्राप्त की भी इच्छा रही तो वो भी बंधन है, ऐसे बताया है इसी। तो क्या करना चाहिए, तो सहज रहो, हाँ वो ही योग्यता है, सहज रहना है, यही
योग्यता है। हमेशा ज्ञान में रहो, जब ही अच्छी बातों के ज्ञान में रहेंगे और उसी के साथ खुश रहेंगे, यही करना है, पर इच्छा में नहीं अटकना है। तो ये राजा को मिलता कुछ नहीं है, आंसर ही आंसर मिलते रहा, डबल 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 डबल, पर हुआ कुछ नहीं। तो शिव सूत्र में बड़ी सुंदर स्टोरी है इच्छा के ऊपर, इच्छा शक्ति उमा कुमारी, जिन्होंने शिव सूत्र सुना है उनको बड़ा पता होगा कि ये स्टोरी क्या है, क्यों कन्याकुमारी नाम पड़ा, कन्याकुमारी क्यों नाम पड़ा। ये स्टोरी तो पूरी हो गई है, वो कन्याकुमारी वाली दूसरी स्टोरी है, कल बताएंगे, है ना। तो सुंदर है या ऐसे कुछ नहीं, शॉर्टकट ही है वो, है ना। तो उसमें ऐसे बताया है कि शंकर भगवान शादी के लिए निकले हैं, पर कुछ ऐसी बात थी कि मुर्गे ने अपनी बांग पुकार ली तो वो शादी रुक जाएगी, तो हार लिए खड़े उमा कुमारी, मतलब हार लेके खड़े शंकर भगवान का वेट कर रही है। और कुछ ऐसे हुआ कि ना टाइम होते हुए भी वो मुर्गा बन गए, शायद नारायण या ऐसे कुछ, और बांग पुकार ली क्योंकि ये इच्छा मन में थी ऐसी, तो वो माला जपती रही शंकर भगवान का उमा कुमारी, और फिर शादी रुक गई क्योंकि बांग पुकार ली थी, और शंकर भगवान रिटर्न जान मतलब शादी पूरी लेके चले गए। और हाँ इंद्रा ने, हाँ कुछ है स्टोरी, हाँ। और फिर क्यों कन्याकुमारी हुआ नाम, कि वो पूरा जपते हुए वहां पे वैसे ही मंदिर है, और फिर वो मंदिर में वो उमा कुमारी ऐसे ही खड़ी, आज भी वो उनकी मूर्ति है। तो वो भी इच्छा थी और वो भी अटक गई, इसीलिए इच्छा भी नहीं रखते हुए समर्पण करना अच्छा है। तो हमेशा ज्ञान में रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, पर अटक के नहीं रखना है, और इच्छा भी नहीं रखनी है, तो वो अगर रही तो बंधन में अटके रहते हैं। तो सहज रहना ही योग्यता है। हाँ हम तो कभी गए नहीं है, लगातार जाएंगे कभी ना कभी, तो ये कोरोना भी अटका दिए है कि कभी ना कभी कुछ प्रोग्राम हो जाते, देखते हैं आगे। है ना, तो समय भी हो रहा है। सुंदर थी ना स्टोरी साधु जी की, समझने जैसी है। कल ही मैंने ये सुना, मैं बोली बताऊंगी ये आप सबको, सुंदर है। ना सोनिया जी इधर चले गए, सोनिया जी, हाँ हाँ हूँ मैं हूँ यहाँ पे। हाँ दो मिनट तो चले जाते हो, किधर हो, ठीक है। अभी और कुछ, बस हो गया ना, जिनको कोर्स करना है वो नाम और नंबर डाल सकते हैं अपना, ये 45 का, और हम अपना नंबर डाल रहे हैं। और साथ साथ हमें सेवा की इच्छा हो रही है ना, तो सेवा की इच्छा करके समर्पण कर देना है। तो क्या है ना कि हम फ्री रहेंगे, एक बार समर्पण हो गया तो पर करनी जरूर है सेवा। ठीक है,
ठीक है, मिलते हैं कल कुछ नए ज्ञान के साथ।